Next station, Southall. तो इवन साउथहॉल के ट्रेन स्टेशन पे यहाँ पंजाबी में लिखा हुआ है क्योंकि ये पूरा मिनी पंजाब है यहाँ इंग्लैंड का। तो ट्रेन स्टेशन से निकलते ही सिर्फ ऐसा लग रहा है कि इंडिया वापस आ गए हैं, मतलब हिंदी भी नहीं पंजाबी सुनने को मिल रही है सिर्फ, बट बढ़िया है। जलेबी ट्राई करते हैं, बहुत बढ़िया जलेबी। तो तो सबसे पहले कहाँ लेके चल रहा है? अब सबसे पहले हम चल रहे हैं सोहो। सोहो में पिज्जा पिज्जा खाएंगे, लांती का पिज्जा एरिया है, बहुत अच्छा है। तो हमें यहाँ से बस लेनी है डायरेक्ट ऑक्सफोर्ड सर्कस की एंड वहाँ से बाय वॉक ही है सोहो। अभी तो 9 बजे हैं, अभी से लोग प्रॉपर पार्टी मूड में आ चुके हैं। यहाँ पर 9 बज रहे हो, 5 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, दारू तो चाहिए ही चाहिए। दारू इन्हें सुबह 2 बजे से चाहिए। दारू का कोई मतलब देख रहा हूँ कि 11 बजे चालू हो जाते हैं, हमें बियर तो चाहिए। दिन में 12 बजे भी पीते हैं, सुबह 11 बजे भी, सुबह 7 बजे भी। जिन लोगों को लगता है कि सबसे ज़्यादा सुपरकार्स दुबई में है, तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो अकॉर्डिंग टू गूगल सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सुपरकार्स लंदन में है। लंदन सिटी काफ़ी बड़ी है, तो इतनी ज़्यादा नहीं दिखती जितनी दुबई में दिखती हैं, बट अगर आप वैसे देखो तो लंदन में दुबई से ज़्यादा सुपरकार्स हैं। सबसे पहले डिनर के लिए हम आए हैं यहाँ जेब्स पिज्जा। यहाँ शिकागो स्टाइल डीप डिश पिज्जा मिलता है, इट्स द बेस्ट प्लेस टू ईट डीप डिश पिज्जा इन लंदन। सारी रेस्टोरेंट्स की लिस्ट है, इतने सारे चार आठ दस तो हम चले जाते हैं। तो गाइज ये होता है डीप डिश पिज्ज़ा। ये नॉर्मल पिज्ज़ा से बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसकी जो ये क्रस्ट होती है ये काफ़ी ज़्यादा थिक होती है और बहुत ज़्यादा चीज़ होती है इसमें। टेस्ट करके बता कैसा है। बढ़िया। तो गाइस पिज्जा तो बहुत ही टेस्टी था, ये पूरा सोहो एरिया है, यहाँ बड़े सारे रेस्टोरेंट्स पब्स बिल्लेस कबारे, बहुत सारे शोज होते हैं। तो आप यहाँ रात का सीन देख सकते हो, मतलब बिल्कुल फुल रहता है, सारे मेन पब्स बार यहीं पर हैं एंड बहुत सारे आपको यहाँ पर गे एंड लेस्बियन बार भी मिलेंगे। सर तेरे लिए क्लब? मेरा कोई क्लब नहीं है यार, यहाँ तो चलने की भी जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। इतनी भीड़ तो कभी नहीं देखी लंदन में, इस बार तो भीड़ नहीं देखी कहीं भी। तू बोलिए एक बात। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द
इससे स्टार्ट करूँगा। तो कल रात को तो हम ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि भाई क्या पार्टी कराई है तूने, मुझे याद भी नहीं कब करी थी ऐसी पार्टी लास्ट टाइम मैंने ज़िंदगी में अपनी। पता नहीं यार, मेरी तो आवाज़ ही नहीं आ रही पार्टन से। इसकी आवाज़ ही निकल रही। और सुबह हम 9 बजे वापस आए हैं, मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मतलब सनराइज़ देख के ब्रेकफास्ट करके हम वापस आए हैं। एंड आज शाम को 4 बजे हम उठे हैं एंड अब निकले हैं हम साउथ हॉल की तरफ। आई थिंक साउथ हॉल आप लोगों को पता ही होगा, सबसे बड़ा इंडियन डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंग्लैंड का। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको पूरा साउथ हॉल दिखाता हूँ, द बिगेस्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट। सबसे बड़ा इंडियन डिस्ट्रिक्ट है ना पूरे वर्ल्ड में शायद, है ना? आई थिंक, मुझे 100% श्योर नहीं हूँ, बट वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडियन कम्युनिटी है साउथ हॉल, या फिर ब्रैम्पटन कनाडा में छोटा है साउथ हॉल से मेरे हिसाब से। हाँ, बहुत बड़ा है। तो जैसा ब्रैम्पटन मिनी पंजाब कहते हैं कनाडा का, वैसे यहाँ पे साउथ हॉल मिनी पंजाब या फिर मिनी इंडिया है। यहाँ मेन लंदन से अराउंड 1 घंटा दूर है, तो हमें ट्रेन लेके जाना पड़ेगा। बट पहले कॉफ़ी पिला ब्रेड। हाँ यार, यूरोप में मतलब ये बंदे 7 दिन बियर पीते हैं। कल सैटरडे नाइट थी एंड अभी भी सारे लोग बियर पी रहे हैं, दिन के 3 बज रहे हैं। पता नहीं ये लोग 7 दिन कैसे पीते हैं। मैंने तो पी भी नहीं थी तब भी ऐसा हो रहा है। तेरा हुआ कैसे भाई, तू क्या करा तूने फिर मुझे बताना। आइसक्रीम मिलती है, हाँ, जिसमें वो आइसक्रीम मेल्ट करके देते हैं। अच्छा, तो मैंने वो आइसक्रीम मेल्ट करी हुई चॉकलेट पी ली, तो हाँ तब से ऐसा। तो पहले हमें लिवरपूल स्ट्रीट से ट्रेन लेनी है साउथ ईलिंग स्टेशन तक एंड वहाँ से फिर डायरेक्ट ट्रेन चलती है साउथ हॉल की। अराउंड 1 घंटा लगेगा पहुँचने में एंड देखते हैं कि क्या सीन है। मैं खुद नहीं गया कभी साउथ हॉल, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा मन था एंड बहुत सारे लोगों ने इवन मुझे DM भी करा था कि मैं साउथ हॉल ज़रूर जाऊँ। तो साउथ हॉल जाके इंडियन खाने से पहले मैंने एक कॉफ़ी लिया है, अमेरिकानो, एंड ये है सामने लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन। तो लिवरपूल स्ट्रीट से हमें यहाँ आने में 40 मिनट लगे, ये है ईलिंग ब्रॉडवे एंड यहाँ से अब हमें डायरेक्ट ट्रेन लेनी है 10 मिनट बाद साउथ हॉल की। तो इवन साउथ हॉल के ट्रेन स्टेशन पे यहाँ पंजाबी में लिखा हुआ है क्योंकि ये पूरा मिनी पंजाब है यहाँ इंग्लैंड का। बिल्कुल अभी अभी सनसेट हो रहा है, इतना प्यारा लग रहा है सनसेट। एंड अब मैं आपको साउथ हॉल दिखा के लाता हूँ पूरा। तो ट्रेन स्टेशन से निकलते ही सिर्फ ऐसा लग रहा है कि इंडिया वापस आ गए हैं, मतलब हिंदी भी नहीं पंजाबी सुनने को मिल रही है सिर्फ। बट बढ़िया है, बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छी, मज़ा आ गया। हाँ, मतलब अगर रहना हो ना अपना बिल्कुल इंडियन कम्युनिटी के बीच में तो बहुत ही अच्छी जगह है। एंड यहाँ पर इवन सारे जितने भी बोर्ड हैं उनमें इंग्लिश के साथ साथ पंजाबी में भी लिखा हुआ है। एंड सामने मेरे पंजाब नेशनल बैंक है। अभी कहाँ चल रहे हैं, जलेबी जंक्शन? नहीं, अभी तो स्पाइस विलेज। स्पाइस विलेज, सबसे पहले भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ का आपको देसी खाना दिखाता हूँ जो सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट हमने ढूंढा है। मतलब इतनी कंट्रीज विजिट कर ली बट इतनी इंडियन फीलिंग किसी मैंने एक जगह पे नहीं देखी, मतलब अब्रॉड ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप यूरोप में हो। तो ये सारे बिल्कुल इंडियंस के घर हैं। यहाँ पर है शेर पंजाब मार्केट। मतलब हवा में भी बिल्कुल इंडियन खाने की खुशबू है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है दाल बन रही है, कहीं मटर पनीर बन रहा है क्योंकि घरों में ही बन रहा होगा ना। एंड गुरुद्वारा के साथ साथ क्योंकि बहुत ही बड़ी यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी भी है, तो पीछे एक इवन मॉस्क भी था। मतलब बहुत सारे होंगे यहाँ पूरे साउथ हॉल में, बट पीछे एक छोटा सा मॉस्क था। मतलब लाइन से ही पता लग रहा है कि कितना बढ़िया रेस्टोरेंट है, पूरी लंबी क्यू लगी हुई है। सो ये है रेस्टोरेंट जिसमें हम जा रहे हैं, भीड़ काफ़ी लगी हुई है। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया तो बहुत। सबसे पहले चटनी लाया, इतनी टेस्टी चटनी आई यहाँ पर, ऐसी तो मैंने इंडिया में भी नहीं खाई, ऐसी तो इंडिया में भी नहीं मिलती। टाटा से हमने मंगाया मलाई टिक्का एंड मटन सीख कबाब। तो रेस्टोरेंट में स्टार्टर्स तो अच्छे थे बट खाना इतना कोई खास नहीं था क्योंकि जिस हिसाब से रिव्यूज़ थे आई थिंक उस हिसाब से थोड़ा डिसअपॉइंटिंग खाना था।
इतना तो खास नहीं लगा, इतना खास नहीं था, मतलब ठीक है बस। पर स्टार्टर्स तो काफी बढ़िया, हाँ स्टार्टर्स अच्छे थे, बट खाना मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही कोई अलग था। एंड ये पूरी मेन स्ट्रीट है यहाँ साउथ हॉल की, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मतलब ए टू जेड हर एक इंडियन चीज़ की दुकान है, कपड़े मतलब पीछे इवन जो मतलब प्रॉपर चाट कॉर्नर होते हैं वो तक बने हुए हैं। अब जलेबी खाने चलते हैं, मीठा कुछ यहाँ पर बहुत फेमस है, वो जलेबी जंक्शन है ना। अच्छा हो रहा, यहाँ पर एक बहुत ही फेमस जलेबी की दुकान है साउथ हॉल में, जलेबी जंक्शन। समोसे वगैरह मिल रहे हैं, तो प्रॉपर समोसे पकौड़े यहाँ पर सारे पकौड़े समोसे वगैरह मिल रहे हैं, अगर लेने हैं तो ले लें। यहाँ पर जलेबी खानी है, पहले जलेबी खाते हैं फिर सब। तो ये है वो दुकान जलेबी जंक्शन। जलेबी ट्राई करते हैं, बहुत बढ़िया जलेबी तो ट्राई करके देख। एंड यार ओनर इतने अच्छे थे वो जलेबी जंक्शन के, उन्होंने हमसे चार्ज भी नहीं किया जलेबी का, ट्राई करके देख मज़ा आ जाएगा, गरम गरम मज़ा आए। जलेबी खा के मज़ा आ गया, बहुत ही टेस्टी थी, सिर से तो बोला ही नहीं जा रहा, बोला ही नहीं जा रहा भाई। सूट वूट यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर, मतलब इतने सारे इवन गोल गप्पों के स्टैंड हैं। मैंने इतने सारे लोगों को देख लिया यहाँ पर कि गाड़ी में पंजाबी गाने चलाते हुए घूम रहे हैं। आई थिंक ये तो तूने बोला था, ये तो लंदन में भी है ना पंजाबी गाने चला के घूमते हैं लोग, लंदन में भी बहुत देखे। एंड यहाँ तो हर बंदा ही मतलब हिंदी गाने चला के घूम रहा है तेज तेज। एंड अब चले वापस लंदन की तरफ, चलो चल भाई साउथ हॉल भी घुमा लिया, घूमे दो बार आए थे, दोनों बार पता नहीं क्यों नहीं गए हम साउथ हॉल, टाइम दो तीन दिन के लिए तो आए। तो अराउंड एक घंटे की ट्रेन के बाद वी आर फाइनली बैक इन लंदन, एंड अब इतना ज़्यादा थक गए हैं तो हम जाके करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। आई होप यू एंजॉयड दिस होल व्लॉग, बहुत ही बढ़िया जगह थी साउथ हॉल, एंड अभी और व्लॉग्स आएंगे लंदन के गाइस, सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।